हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और जैसा कि आपको पता है, मेरी जो इस सीरीज़ चल रही है एक्सेल इज़ ईजी, इसमें आज ये इस सीरीज़ का अगला पार्ट आने वाला है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अब हमें एक्सेल में और आगे क्या क्या करना है। इसके पहले के वीडियोज़ में आपने देखा कि किस तरीके से डेटा एंट्री का काम किया जाता है, किस तरीके से पाइवोट टेबल क्रिएट किया जाता है, या फिर किस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाती है। तो और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से किसी डेटा को चार्ट के फॉर्म में बदला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें अभी तक कर ली होगी और इसके बाद आप इस वीडियो पे आए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को डेटा वैलिडेशन के बारे में बताने वाला हूँ। डेटा वैलिडेशन क्या होता है और इस पर कैसे वर्क किया जाता है, या फिर एक्सेल में इसका क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सेल में किस तरीके से डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है। सबसे पहले तो आपको डेटा वैलिडेशन जानना होगा, तो चलिए मैं एक्सेल को खोल लेता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, एक एक्सेल का फाइल बना लेना है और उस फाइल में हर दिन के हिसाब से आपको डे वन से लेकर जब तक मैं कंटिन्यू करूँगा डे टू डे थ्री, इस तरीके से सीट्स बना कर अपने काम को करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डे वन में ये कुछ बताया था आप लोगों को, डे टू डे थ्री इस तरह से अलग अलग शीट्स बना दिए हैं। तो अभी हमें एक नया शीट लेना है और इस शीट का नाम बदल देना है, डे एट कर देना है, यानी ये आज आठवां दिन होगा और ये आपका आठवां प्रैक्टिकल है। आज के इस वीडियो में अभी आपको क्या जानना है, डेटा वैलिडेशन। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये डेटा वैलिडेशन होता क्या है। देखिए, जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल के अंदर, तो कुछ चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें हम गलत डेटा इनपुट दे सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन इसी प्रकार के रॉन्ग इनपुट को अवॉइड करता है, यानी कि रॉन्ग इनपुट एक्सेल सीट में आने से रोकता है। तो इसको रोकने के लिए पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, और इसके बाद जब भी आप कोई गलत इनपुट डालेंगे, यानी कि अगर ऐसा डेटा डालेंगे जो उस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पर एक्सेल आपको उस डेटा को एंट्री करने नहीं देगा। एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर आप मोबाइल नंबर वाले फील्ड में किसी का नाम लिख रहे हो, तो वहाँ पर एक्सेल आपको रोकेगा और फिर कहेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ पर आप नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट होता है डेटा वैलिडेशन, यानी हमने डेटा को वैलिड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको करना है। सबसे पहले तो आपको कुछ फील्ड्स की ज़रूरत होगी, इन फील्ड्स को हम बारी बारी से बना लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ, रोल ले लिया। उसके बाद यहाँ पर नेम का एक फील्ड ले लिया, रोल हो गया, नेम हो गया। उसके बाद एड्रेस ले लेते हैं, और देन यहाँ पर पिन कोड हो जाएगा। पिन कोड के बाद हम मोबाइल नंबर को ले लेंगे, एंड मोबाइल नंबर के बाद एक दो फील्ड और आप ऐड कर लो, जैसे डेट ऑफ बर्थ का कॉलम हो जाएगा, फिर बैच टाइम, मतलब किस समय में आपका बैच चलता है, कुछ इस तरीके की हमें एंट्री करनी है, बैच टाइम हो गया। और इसके अलावा आप फ़ी को भी ले सकते हैं कि क्या आपका फ़ी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेटा हम बना रहे हैं। अब इस डेटा का क्या पर्पस है मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन समझाना है आपको। तो डेटा वैलिडेशन समझाने के लिए मुझे ये कुछ फील्ड्स बनाने होंगे, और आप भी बना लीजिए इसको। और अब मैं समझाऊंगा एक एक करके कि किस फील्ड के लिए कौन सा डेटा वैलिडेशन सूटेबल होता है। तो चलिए, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक बॉर्डर देंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा डेटा कहाँ तक एंट्री होगा। तो फ़िलहाल मैंने इतना ही लिया है। अब जैसा आपको पहले वीडियो से बताया जा रहा है कि आप इसको थोड़ा सा सही कर लो, थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ बढ़ा लीजिए, लिखने का स्टाइल आप चाहें तो बदल सकते हैं, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, एंड देन आप यहां पर आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो क्लियर हो गया इतना कि डेटा के लिए फील्ड कैसे तैयार करना है। फील्ड तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि ये फील्ड का नाम छोड़ के उसके नीचे जो एरिया है, मतलब कि जो जगह है, खाली स्थान है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पर आपको डेटा की एंट्री करनी है, आपको उस लोकेशन को सेलेक्ट करना होगा। अब देखो, ये रोल वाला कॉलम तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है,
अब इसके बाद में मुझे जाना है डेटा टैब में, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिस डायलॉग बॉक्स में तीन टैब होंगे, एक होगा सेटिंग, दूसरा इनपुट मैसेज और तीसरा एरर अलर्ट। फिलहाल हमें सेटिंग पे चलना है। जब आप सेटिंग पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ वैलिडेशंस मिलेंगे, कि वैलिडेशन के रूल मिलेंगे। लिखा है वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ, मतलब आपने सेलेक्टेड जो फील्ड है इसमें कौन सी क्राइटेरिया अलाउ कर रहे हैं, क्या अलाउ करना चाहते हैं। तो यहाँ है एनी वैल्यू, मतलब कुछ भी, होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले लेगा। फिर डेसिमल कह रहा है, डेसिमल नंबर जस्ट एक होल नंबर ही होगा, बट उसमें दशमलव अलाउ होगा, पॉइंट अलाउ होगा, और होल नंबर में पॉइंट अलाउ नहीं होता है। तो आप देख लो कि रोल में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, होल नंबर या डेसिमल। तो मेरे हिसाब से होल नंबर की यहाँ पर ज़रूरत है। उसके अलावा लिस्ट दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, तो रोल नंबर में डेट को तो प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं। टाइम, टेक्स्ट लेंथ, तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, आपको इसमें से चुनना है होल नंबर। जब आप होल नंबर चुनते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें और पूछी जाती है, डेटा, मतलब डेटा किसके कैसा रहेगा। तो डेटा में यहाँ पर कुछ एक्शंस दिए हुए हैं, आप चेक कर लेना, बिटवीन यानी कि दो नंबर्स के बीच में डेटा रहेगा, या नॉट बिटवीन या दो उन दोनों नंबर के बीच में नहीं रहेगा, इक्वल उसके बराबर रहेगा, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, तो कुछ इस प्रकार से सभी चीज़ें मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं वो दे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मेरा जो रोल हो वो 100 से स्टार्ट हो और उसके बाद इनफाइनाइट चलते जाए, यानी 100 के बाद ही मेरा कोई भी रोल नंबर इसमें एंट्री ले, 100 के नीचे का कोई रोल नंबर एंट्री ना ले। तो मुझे क्या लेना होगा इसमें से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे लेना होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू पूछेगा कि ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो कितने से ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने कहा 100 से, यानी 100 या उससे बड़ी संख्याओं को ये एक्सेप्ट कर सकता है, उससे छोटी संख्याओं को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पर कोई संख्या डालेंगे, जैसे कि मैंने 1 to 12 डाला, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाएगा। मैसेज लिखा हुआ है कि द वैल्यू यू इंटर इज़ नॉट वैलिड, जो वैल्यू आपने डाली है वो वैलिड नहीं है। ए यूज़र हैज़ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू डैट कैन बी इंटर्ड इन टू द सेल, मतलब यूज़र ने इस सेल की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कुछ नियम लगा रखा है इसके। तो ऐसे पता नहीं चल रहा है ना कि एक्चुअली में क्या नियम है, क्योंकि हम बार बार यहाँ पर डाल रहे हैं और यहाँ पर गलत आ जा रहा है। तो फिर से हम एक बार इसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन में वापस से। डेटा वैलिडेशन में आप पाओगे कि जो सेटिंग आपने की थी वो सेटिंग एज इट इज़ है, और इसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर एक एरर अलर्ट का टैब दिया हुआ है। इस एरर अलर्ट के टैब पर आप जाएंगे तो यहाँ पर स्टॉप का साइन दिखा रहा है कि मतलब जब भी आप गलत एंट्री करोगे तो स्टॉप कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। यहाँ टाइटल में क्या लिखा है, तो टाइटल में लिखे मैंने लिख दिया रॉन्ग इनपुट। ओके, तो टाइटल में मैंने यहाँ डाल दिया रॉन्ग इनपुट, और मैसेज में आप मैसेज दिखा दो कि आखिर गलती क्या हो गई है। तो गलती आप समझा दीजिए यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ लिखा द रोल नंबर शुड बी ग्रेटर दैन 100। ठीक है, ग्रेटर दैन 100 यानी जो रोल नंबर होना चाहिए वो 100 से बड़ा होना चाहिए या 100 भी होना चाहिए। तो ग्रेटर दैन के साथ और इक्वल टू भी आप जोड़ सकते हैं, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 100। मतलब आपने यहाँ एक मैसेज लिख दिया, और इस मैसेज में क्या है रॉन्ग इनपुट, जो कि टाइटल के तौर पे दिखाएगा, और उसके बाद मैसेज में लिख दिया कि जो रोल नंबर आप डाल रहे हो वो 100 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से मैसेज में हमने यहाँ पर इसे दिखा दिया। अब अगर आप कोई भी यहाँ पर रॉन्ग इनपुट डालते हैं, जैसे 12 मैंने अगेन डाला, तो यहाँ पर जो मैसेज आएगा उस मैसेज को आप पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ टाइटल में लिखा हुआ है रॉन्ग इनपुट, और यहाँ लिखा है द रोल नंबर शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 100। तो जैसा मैसेज हम देंगे वैसा मैसेज हमें डिस्प्ले होगा। ये होता है दोस्तों डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का मतलब मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा वैलिडेशन कहते किसे हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर सेल में की वैल्यू को
के डेटा को वैलिड कर देते हैं, यानी उसके ऊपर कुछ रूल लगा देते हैं कि इससे कम या इससे ज़्यादा डेटा इसमें एंट्री नहीं होगी, तो इसी प्रक्रिया को हम डाटा वैलिडेशन का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पर आप चाहकर भी गलत एंट्री नहीं कर सकते हैं, यानी अगर आप जब भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया दी गई है 100 या उससे ज़्यादा की क्राइटेरिया दी गई और उससे कम डालोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें जैसे 101 दिस इज़ एक्सेप्टेबल, 100 ये एक्सेप्ट हो जाएगा, 102 एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब 199 एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रही है, क्लियर। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने लिखा 99.999 तो ये तो और नहीं करेगा। दूसरी बात, मैंने यहाँ होल नंबर लगाया है तो ये उसको भी नहीं करेगा। ओके, तो अब मैं फिर एक दूसरा नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, और वो नंबर है जैसे 105 और दशमलव मैंने दो डाल दिया, सॉरी 105.2, तो क्या ये नंबर एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि ये 100 से बड़ी नंबर है। आप सोच के बताओ, क्या ये नंबर 100 से जो है बड़ी है तो क्या ये नंबर एक्सेप्टेबल होगी? तो ये नंबर भी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। ये नंबर एक्सेप्ट ना होने का कारण क्या होगा? क्योंकि हमने जो सेल में रिस्ट्रिक्शन लगाया है, जो डेटा अलाउ किया है, वो है होल नंबर, एंड होल नंबर कभी भी डेसिमल पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से दशमलव वाले नंबर भी इसमें एक्सेप्ट नहीं होंगे, चाहे वो गिवन क्राइटेरिया से क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। तो उम्मीद है कि ये बात चीज़ क्लियर हो गई होगी, लेकिन अगर हम यहाँ 105 लिखें तो ये चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रॉल्स का तो हो गया। अब बात करते हैं नेम की, तो नेम में कौन सा डेटा वैलिडेशन लगाना है ये आप सोचो। यहाँ पर हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन में, सेटिंग में जाते हैं और फिर से हम देखते हैं कि कौन से वैलिडेशन और है। एनी वैल्यू तो बाई डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी इसको किसी में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमेशा सब में रहता है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, होल नंबर लगा सकते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से होल नंबर केवल नंबर्स के लिए लगता है, उसमें कैरेक्टर तो इंक्लूड होंगे नहीं। डेसिमल होल नंबर की ही तरह होता है, बट उसमें दशमलव एक्सेप्टेबल होते हैं। लिस्ट नहीं बना सकते हैं, डेट नहीं लगा सकते हैं, टाइम, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ टेक्स्ट लेंथ लगाना चाहिए, और इवन टेक्स्ट लेंथ ही होगा क्योंकि जहाँ नाम की बात आ गई वहाँ पर हम टेक्स्ट की लंबाई को देखेंगे कि टेक्स्ट हमारा कितने कैरेक्टर का हो सकता है। तो मैंने टेक्स्ट लेंथ लगा लिया, और उसके बाद कह रहा है बिटवीन या कौन सा लें, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो मैंने यहाँ से चुना, चलो इस बार बिटवीन ही चुन लेते हैं, बिटवीन चुना। तो मैंने कहा कि मिनिमम कितने कैरेक्टर का नाम होना चाहिए, तो मिनिमम होना चाहिए एक कैरेक्टर का नाम, एक या दो कर लूँ, मिनिमम दो कैरेक्टर का तो नाम होना ही चाहिए, जैसे ओम, ओ एम, ये दो कैरेक्टर का नाम होता है, तो मिनिमम दो कैरेक्टर का नाम हो सकता है और मैक्सिमम 30 कैरेक्टर के नाम हो सकते हैं। तो ये एक रेंज बना दिया हमने कि जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो 2 और 30 के कैरेक्टर के बीच में रहेंगे, ये होता है टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का मतलब होता है टेक्स्ट की लंबाई कितनी हो गई, ये काउंट करेगा, क्लियर। तो यह हो गया। इसके बाद हम यहाँ एरर अलर्ट वापस से लगा सकते हैं, जैसा इसके पहले वाले में लगाया। इसके पहले वाले में क्या एरर अलर्ट था? रॉन्ग इनपुट। तो रॉन्ग इनपुट आप यहाँ भी दे दो, मैसेज बस बदल जाएगा और मैसेज हो जाएगा कि नेम शुड बी 2 to 30 कैरेक्टर्स। मतलब जो सेटिंग आपने की है सेम चीज़ को आप एरर अलर्ट में डाल दो, तो उससे एक तरह से पता चल जाएगा कि क्या हम गलती कर रहे हैं। मान के चलो कि कोई अननोन पर्सन जो है वो डेटा एंट्री करने बैठा है आपके शीट के ऊपर, तो हो सकता है उसे ये रूल ना पता हो और आपने अपने शीट के अंदर ये चीज़ सेटिंग करके रखी है, तो जब वो गलत डेटा एंट्री भरेगा तो उसे मैसेज पढ़ के ये समझ में आ जाएगा कि क्या गलती कर रहे हैं और क्या करना चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ अब कर लो, और बारी बारी से ऐसे सब में कर लेते हैं, ठीक है। तो एड्रेस के अंदर क्या लगाएंगे हम पहले वो सोच लेते हैं। जैसे अब नाम यहाँ पे देखो, जैसे क्यू किसी का नाम होने लिखा, ये एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन वही हम अगर ओ एम, जैसे मैंने कहा ओम, तो ये एक्सेप्ट होगा। और 30 कैरेक्टर से बड़ा नाम, तो 30 कैरेक्टर से कोई बड़ा नाम हम ऐसे लिख देते, कुछ भी लिख देते हैं जो 30 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा नाम भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। 6
ठीक है, और वहीं अगर छोटा सा नाम लिखे जैसे रमेश, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आते हैं एड्रेस की ओर। एड्रेस में कौन सा डेटा वैलिडेशन लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा वो हम देखते हैं। मान के चलो कि आपके पास कुछ सिटी के, चुने हुए सिटी के लोग आते हैं, ज़्यादा अलग अलग जगह से नहीं, दो चार सिटी के या दो चार स्टेट के लोग आते हैं, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो लिस्ट को, अगर यहाँ लिस्ट बनाना हो वहाँ। हालांकि लिस्ट मैंने एक बार पहले भी बताया है, वो भी आप यूज़ कर सकते, वहाँ भी मैंने यूज़ करना बताया था और अभी फिर से बता रहा हूँ। तो मैं एड्रेस पे लिस्ट चुनना चाहता हूँ, तो मैंने लिस्ट लिखा एंड सोर्स में मैंने उन जगहों का नाम डाल दिया जो जो एड्रेस मुझे यहाँ पर पुट करने हैं। तो मुझे जैसे एक पुट करना है छपरा, कॉमा दिया, स्पेस देकर फिर लिखा सिवान, फिर कॉमा दिया, फिर लिखा पटना, फिर लिखा, फिर लिखा दरभंगा, ऐसे कुछ कुछ एड्रेस हम दे दे रहे हैं, फिर यहाँ लिखा आरा। तो ऐसे जितने भी एड्रेस आपको चाहिए उतना एड्रेस आप दे सकते हैं। अभी हम लोगों को केवल डेटा वैलिडेशन समझना है, तो हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आप देखो कि यहाँ पर ये लिस्ट बनकर आ गया है। इस लिस्ट में से किसी को भी चुन सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ आप देख लो। अब यहाँ पर बारी है पिन कोड की, तो बताइए कि पिन कोड में हम क्या वैलिडेशन दे सकते हैं। तो पिन कोड चूँकि नंबर में होता है, तो नंबर की वैलिडेशन देने के लिए हम होल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट लेंथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी टेक्स्ट की हमें लंबाई नापनी होती है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पिन कोड होता है वो छः डिजिट्स का होता है। तो यहाँ टेक्स्ट लेंथ काफ़ी आसान होगा देना, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जब आप टेक्स्ट लेंथ दोगे तो वो नंबर के अलावा टेक्स्ट को भी एक्सेप्ट कर सकता है, जहाँ पे गलती की संभावना थोड़ी सी बढ़ती है। तो हम एक काम करते हैं, इसको होल नंबर ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि होल नंबर टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमने यहाँ पे होल नंबर दिया और डेटा को रहने दिया बिटवीन। यहाँ मिनिमम हम क्या करते हैं, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या डाल देते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, 1 और 5 बार 0, ठीक है, और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 9, यानी 6 बार 9 हमने पुट कर दिया। इसके बीच में जो भी डेटा होगा उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब मान लो किसी का पिन कोड है 84 13 01, एक्सेप्ट हो जाएगा। बट किसी ने कर दिया 84 13 05 1, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया बना दिया कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया तो ये पिन कोड वाला काम हो जाएगा हमारा। अब आते हैं मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर 10 होता है, तो 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कर सकते हो, या इसके अलावा आप इसके अंदर ये वाला वैलिडेशन लगा दो टेक्स्ट लेंथ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर की जगह पे कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन फिलहाल हमें टेक्स्ट लेंथ को भी एक बार समझना है। तो मोबाइल नंबर में आप होल नंबर भी डाल सकते हो, तो उसमें 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको डालनी होगी, लेकिन मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ टेक्स्ट लेंथ। अब चलो टेक्स्ट लेंथ में यहाँ बिटवीन की जगह डाल दिया इक्वल टू 10। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोबाइल नंबर है वो ना तो 10 कैरेक्टर से छोटा होगा और ना ही बड़ा, ठीक है। तो अगर कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट करता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट हमने डाल दिए और एंटर कर दिया। एक्सेल में ये गलती बहुत बार होती है कि मोबाइल नंबर डालने में ये ध्यान नहीं रहता है कि मोबाइल नंबर सही गया कि, यानी कोई एक अक्षर छूट जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आपके सीट में ये वाला वैलिडेशन लगा हुआ है तो इससे आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं कि एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब कि आप कोई भी मोबाइल नंबर जब एंट्री करेंगे वो अगर 10 कैरेक्टर से कम है, मतलब 10 डिजिट से कम है, तो तुरंत आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि मोबाइल नंबर जो है वो गलत है, ठीक है। आप रिट्राई करके फिर उसमें क्या करेंगे कि एक नंबर जोड़ सकते हैं। अब मान लो कि यहाँ पर एक नंबर डाल दिया तो ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट आपने फिर से एक बार दूसरा नंबर डाला और उसमें एक ज़्यादा हो गया गलती से, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो डेटा वैलिडेशन हमें जो लगाना है वो लगाना है इक्वल टू 10 टेक्स्ट लेंथ में। अब बात करते हैं हम डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर जो डेटा वैलिडेशन लगानी है वो है डेट, ठीक है। और सेम चीज़ जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 18 साल के ऊपर के लोगों की चाहिए, तो आप आज के डेट से कैलकुलेट कर लो कि कौन सा वो डेट होगा जबकि लोग 18 साल के हो चुके होंगे,
ठीक है, या आज के डेट से या 1 जनवरी से आप कैलकुलेट कर लो, तो मान के चलो कि ये 2022 है, तो 2022 में से 18 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2004 आएगा। ठीक है, तो 2004, 1 जनवरी 2004 के बाद जिसका भी जन्म हुआ होगा वो अभी 18 साल का हो चुका होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमें ये निकालना है कि कोई भी इंसान 18 साल या उससे ऊपर का हो, उसी की एंट्री आपको लेनी है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो 18 साल के हो चुके होंगे। शायद मैंने गलत बोल दिया, 2004 के पहले के जितने लोग होंगे वो 18 साल के हुए होंगे, ना कि उसके बाद के। ठीक है, तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2004 के पहले का है वो लोग क्या हैं, 18 वर्ष के हो चुके हैं या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन जिनका भी जन्म, जैसे जो भी अभी महीना चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो सितंबर में सितंबर 2004 के बाद हुआ होगा, वो अभी 18 साल के नहीं हुए होंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको एक डेट अनुमान लगा लेना है कि कौन से डेट के पहले के लोग 18 साल के हो गए होंगे और कौन से डेट के बाद के नहीं हुए होंगे। तो ऐसे यहाँ लगा लिया डेट, और बिटवीन की जगह यहाँ पे लगा दिया लेस दैन। ठीक है, लेस दैन और इक्वल टू, ठीक है, लेस दैन और इक्वल टू डाला, और यहाँ पे मैंने दे दिया 01/09/2004। मतलब मैंने माना कि 1/9/2004 के पहले जितने लोग हैं वो सभी 18 साल के हो चुके हैं, तो उनके नाम में हम क्या कर सकते हैं, सॉरी उनका डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन अगर उससे बाद का कोई है तो वो नहीं डाल सकते हैं। अब एरर अलर्ट में हम क्या डालेंगे, एरर अलर्ट में वही डाल दो, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग इनपुट, और यहाँ बता देते हैं कि द डेट ऑफ बर्थ should be less than or equal to 01/01/2004, यानी 09 था ना, ओके 09 कर लो, 09। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2004 के पहले का है वे लोग इसमें मतलब कि अपना एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो हो गया, अब इसके बाद यहाँ पर हम कोई डेट डालते हैं, जैसे मान लो कि मैंने डाला 15/8/2004, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, ऑफकोर्स करेगा, क्योंकि जो डेट हमने डाली है उसके पहले का डेट है ये। अगर इसके बाद का हम डेट डालते सेम चीज़ 15/9/2004, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने 1/9 डाला है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल ही बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलो दो चीज़ और हैं उसको फटाफट से देख लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा, इसको कैंसिल कर लो पहले। अब आते हैं बैच टाइम पे। तो बैच टाइम कैसे करना है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और इसके बाद में यहाँ से सेटिंग में जाकर यहाँ टाइम चुन लेना है, और टाइम में आपको टाइम बता देना है कि कब से कब तक। जैसे मान लो कि बैच टाइम है, तो बैच टाइम का कोई फिक्स होगा ना कि कब से कब तक आपका बैच होता है। तो मैंने बता दिया जैसे कि 08:00 AM टू 04:00 PM, यानी 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच कोई भी टाइम एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर दिया 05:00, अब इसको AM दो या PM दो, ये एक्सेप्ट नहीं होने वाला। कारण क्या है कि 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक है, तो ये टाइम शाम के 5, अगर इसमें PM भी लगा दे तो क्या होगा, ये टाइम से बाउंड हो जाएगा। तो इस तरह से बेस्ट टाइम भी हमने देख लिया। बेस्ट टाइम मान लो कि हमने यहाँ लगा दिया 02:00, अगर इसमें AM लगाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, बट PM लगाते हैं तो एक्सेप्ट हो जाएगा। कारण है कि ये उसके बीच में आएगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ फी, और फी में क्या लगाना है हमें, फी में आप होल नंबर ही लगा सकते हो, फी में देख लेते हैं डेसिमल लगा देते हैं फी में। ठीक है, डेसिमल लगाने से क्या होगा कि दशमलव में भी अगर कोई फी होता है, जैसे 50 पैसे या 60 पैसे, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, ये बस एक मान सकते हैं। अच्छा, फ़ी जो होनी चाहिए, हमने मान के चला है कि 500 से नीचे किसी की नहीं होनी चाहिए।
तो सबकी फ़ी 500 या उससे अबव हो सकती है, उसके नीचे नहीं हो सकती है। तो उसके लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा लेस देन और इक्वल टू 500, यानी मिनिमम आपको 500 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने गलत चुन लिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। तो मिनिमम आपको 500 पे करना है। और एरर अलर्ट आपको पता है कि जो क्वेश्चन है या जो सेटिंग आप कर रहे हो सेम चीज़ को एरर अलर्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ओके करते हैं। और अब मान लो कि किसी ने दिया 499.9, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कारण क्या है कि ये 500 से कम है, ये 500 से कम है। लेकिन वही मैं यहाँ पर 500.1 डाल दूँ तो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट में क्यों ले ले रहा है? क्योंकि हमने यहाँ होल नंबर नहीं बल्कि डेसिमल लगाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी तक जो भी चीज़ें आपको बताई वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है अभी इस वीडियोज़ में और कहाँ पर आप फंस रहे हो, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं तो ये उम्मीद करके चलता हूँ कि मैंने जितना भी टास्क अभी तक आपको कराया है, जैसे डे वन से लेकर डे 8 तक अभी हो गया, तो डे 1 से डे 8 तक का सारा डेटा आपने फिल किया होगा और सारा शीट आपने बना के रखा होगा, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने किया होगा इसको। अगर आप एज़ इट इज़ चीज़ों को करते हैं तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको एक्सेल में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, मेरी तरफ से कोई भी डाउट नहीं रहा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।